जय शिवाजी महाराज, बाला साहेब ठाकरे की जय, शिंदे सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे के साथ महाराष्ट्र के विधायकों के सियासी फोटो सेशन का एक ऐसा वीडियो रिलीज हुआ जिसने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। इस वीडियो में 42 विधायक दिख रहे हैं। दावा किया गया कि इसमें शिवसेना के 35 विधायक और 7 निर्दलीय विधायक हैं। ये वीडियो असम के गुवाहाटी का है। एकनाथ शिंदे पक्ष का दावा है कि इसके अलावा 3 और विधायक महाराष्ट्र में हैं, जो कि उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। इन 3 विधायकों में दादा भूसे, संजय बांगड़ और संजय राठौर शामिल हैं। एकनाथ शिंदे ने इस वीडियो के माध्यम से अपनी ताकत दिखाई है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसमें सभी विधायकों के सामने कुर्सी में एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ही विधायक दल के नेता हैं। इस हिसाब से नंबर का गणित तो एकनाथ शिंदे के साथ है, क्योंकि उन्होंने 38 विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून का खतरा भी नहीं है। लेकिन संजय राउत कभी कहते हैं कि गुवाहाटी से 21 विधायकों ने पार्टी से संपर्क किया है और वो महाराष्ट्र लौटना चाहते हैं, तो कभी कहते हैं कि हिम्मत है तो मुंबई लौटकर बात करो। जब भी फ्लोर ऑफ द हाउस में ये सब लोग आ जाएंगे तो जो बाहर गए हैं उसमें से मुझे विश्वास है 20 या 25 तक जो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे, खुद कर आ जाएंगे। आपने देखा दो विधायकों की कहानी, जोर जबरदस्ती से लेकर गए हैं, हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, आए लीगल बैटल भी चलेगा। बहुत बड़ी गलती लोगों ने की है, उनकी सदस्यता खतरे में है लोगों की, अब उनको मालूम नहीं। दूसरी बात है, अगर वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात आप हमारे सामने आकर भी कह सकते हो, यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर। हाँ, शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे को मुंबई आकर बातचीत करने का ऑफर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र की सत्ता संकट की 2 सबसे बड़ी तस्वीरें कुछ ऐसी रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास से अपना साजो सामान समेटकर उद्धव ठाकरे जाने क्यों मातोश्री चले गए, उधर गुवाहाटी के होटल में शिंदे के विधायकों का सत्ता वाला फोटो सेशन शुरू हुआ। दरअसल सवाल अब सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार बचाने का नहीं, शिवसेना बचाने का भी है। लेकिन शिवसेना अभी भी इस संकट को सिर्फ सीएम की कुर्सी तक सीमित करके देख रही है, शायद इसीलिए। बागी विधायकों की ओर से एक खुला खत उद्धव ठाकरे के नाम गुवाहाटी से आया है। 3 पन्नों के इस शिकायती पत्र में विधायकों की बड़ी बातें ये हैं कि उद्धव ठाकरे शिवसेना विधायकों से मिलते तक नहीं थे, वर्षा के बाहर से शिवसेना विधायकों को लौटा दिया जाता था, एनसीपी के नेताओं से सीएम मिलते भी थे, उन्हें फंड भी मिलता था, आदित्य ठाकरे अयोध्या गए, शिवसेना नेताओं को रोक दिया गया। संकट में एकनाथ शिंदे ने विधायकों की बातें सुनी, मदद भी की और इसीलिए अब ये विधायक गुवाहाटी जाने को मजबूर हुए हैं। इधर महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में भी काफी हलचल है। एकनाथ शिंदे की सियासी जंग की सुई विधानसभा में अटकती दिख रही है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को शिंदे के तमाम दावों पर शक है और अब महाराष्ट्र की सत्ता का फैसला उसी विधानसभा में होना है। साथ ही दूसरी तरफ बीजेपी का अंदरूनी मंथन भी जारी है। बीजेपी मौके के इंतजार में है और अभी खुद को सबसे मजबूत मान रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।